मीर शकील-उर-रहमान पर नैब केस की पेशी पर कोरोना हिफाजती इकदाम की कमी देखने को मिली है, साहब ये चीजें हैं जो उनको माइंड में रखनी चाहिए। केस ही मायूस कुन नहीं है, टोटल रवैया मायूस कुन है। उन पे तो बस नहीं चला जिन पे अरबों खरबों के इल्जाम थे, डॉलर्स के, रुपए की तो औकात ही कोई नहीं रह गई, तो बस भी चलाए तो मीडिया पे। हालांकि पता नहीं, आई डोंट नो, ये कहते हैं ना कि तारीख का सबसे बड़ा सबक यही है कि तुम सबक नहीं सीखते। मीडिया ने तो रहना है, बाकी किसी ने नहीं रहना। बड़े बड़े फील्ड मार्शल और पता नहीं क्या, और जावलाक, मैं जिया के बारे में पढ़ रहा था जनरल से आके, ये इसको हिटलर कमीशन मिला था वो इमरजेंसी में। मेरे भी एक रिश्ते के चचा थे, वो 3 बार MBBS में फेल हुए, इस चक्कर में उनको डिग्री है, चलो जाए मास पे जाए, कुछ तो टीके टूके लगा लेगा। तो ज़ियालक को भी हिटलर के चक्कर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मिला था, और उसको कहा करते थे क्या, वो उनका एक जनरल मुझे नाम भूल गया, वो कहा करता था जब वो ब्रिगेडियर था ये अपना ज़िया, कि इसकी कमर में सरिया दो, इसकी कमर सीधी हो। लेकिन वो तारी रहा है इस मुल्क पे, कोड़े भी मारे, जर्नलिस्ट को भी मारे, लेकिन आज क्या है, हिस्ट्री चेंज कर दी, ये कोई बात नहीं। लेकिन इतना ज़रूर, ये नैब से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ख़ास तौर पे जो डीजी नैब है, नैब से नहीं डीजी नैब जो लाहौर के, कि भाई इतना तो इंश्योर करो आप, वो नेक पारसा आदमी है, हाँ, कि हाँ कि भाई उनका सराउंडेड बाय लॉट ऑफ पीपल को पता नहीं क्या क्या नहीं है।